पाकिस्तान की नेदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मैच में कौन सी प्लेइंग 11 उतरेगी सामने आ गई। पाकिस्तान की कंफर्म प्लेइंग 11 बाबर आजम ने सामने लाकर खड़ी कर दी है और वो कौन से 11 प्लेयर हैं जो कि नेदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के लिए उतरेंगे, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक शुरू कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिल सकें। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान और साथ में नेदरलैंड का वर्ल्ड कप का पहला मैच जो कि पाकिस्तान की टीम अपने नेदरलैंड के खिलाफ खेलेगी, ये 6 अक्टूबर को हैदराबाद के मकाम पर खेला जाएगा और आपको पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दिन के 1:30 बजे स्टार्ट होता दिखाई दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बिल्कुल अब कन्फर्म हो चुकी है और नंबर 1 पर आएंगे पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक और उसके साथ ओपनिंग करेंगे एक बार फिर से अब्दुल्ला शफीक। फखर जमान को इस मैच में नहीं खेला जाएगा क्योंकि उसकी बुरी फॉर्म चल रही है। फिर नंबर 3 पर आ जाएंगे आपके कप्तान बाबर आजम। फिर नंबर 4 पर विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को मौका दिया जाएगा, जबकि नंबर 5 पर आपको साउथ शकील खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगे। सलमान अली आ को यहां पर रेस्ट दिया जाएगा और साउथ शकील पहले प्रैक्टिस मैच में अच्छे दिखे थे तो इस वजह से साउथ शकील को यहां पर टेस्ट किया जाएगा। फिर आपको नंबर 6 पर इफ्तिखार अहमद खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगे, जबकि नंबर 7 पर आपके वाइस कैप्टन शदाब खान को मौका दिया जाएगा। फिर नंबर 8 पर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को यहां पर मौका दिया जाएगा, जबकि नंबर 9 पर हसन अली पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और नंबर 10 पर पाकिस्तान टीम के मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे और नंबर 11 पर हारिस राउफ पाकिस्तान की कन्फर्म प्लेइंग 11 का हिस्सा बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये वाला मैच जीतने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा।